हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीरो हीरो ट्रेड के बारे में। जीरो हीरो ट्रेड कैसे होता है, क्या होता है, क्या इसमें रिस्क होता है, कितना पोटेंशियल होता है इसके अंदर अर्निंग का, क्या हम इससे कमा सकते हैं, क्या ये रिस्की ट्रेड है, कैसे लेना है और एक्सपायरी के दिन ही क्यों होता है, सारी बातें करेंगे जीरो हीरो ट्रेड के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती है या ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और दूसरी बात, जो भी बिगिनर ट्रेडर्स है, जो भी इंटरमीडिएट ट्रेडर्स है, जिनको ये समस्याएँ आती है, शुरू के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, जो बड़े लॉस लगते हैं, या फिर जो आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि मैं क्या करूँ, ट्रेडिंग करूँ या छोड़ दूँ, क्या मैं ट्रेडर बन पाऊंगा, क्या मैं ट्रेडिंग से एक बिजनेस जैसी इनकम कर पाऊंगा, क्या मैं अपने आप को बिजनेसमैन कह पाऊंगा, इन सब का सॉल्यूशन मिलेगा और आपको ट्रेडर बनाने में मैं पूरी हेल्प करूंगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चलिए वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जीरो हीरो जो ट्रेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सपायरी के दिन होता है। दूसरी बात, ये ट्रेड हम लेते हैं 2 बजे के बाद। एंड थर्ड थिंग कि इसको जीरो हीरो इसलिए बोलते हैं कि जो आप कॉल या पुट लेते हो वो या तो आपका पैसा सारा चला जाएगा या फिर वो आपका पैसा 100% 200% 100% ये डबल ट्रिपल भी हो सकता है। और डिपेंड करता है कि आपकी हंगर कितनी है, कितने पॉइंट्स के ऊपर आप उस ट्रेड को निकाल देते हैं या फिर आप उस ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट निकाल देते हैं, वो अप टू आप पे होता है। लेकिन इस ट्रेड की खास बात होती है, इसके अंदर आपको हो सकता है इनिशियल बेसिस पे आपको सारा ही आपको लॉस दिखे, लेकिन वो ट्रेड इन द एंड लास्ट के कुछ मिनट्स के अंदर काम कर जाए, आपको डबल पैसा दे जाए। तो ये ट्रेड ऐसा होता है कि इस एक तरीके से हम इसके अंदर अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन जो लगाया है वो सारा का सारा भी जा सकता है। और जीरो हीरो ट्रेड करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, प्रॉफिट के अंदर हैं 2 बजे तक, तभी आप जीरो हीरो ट्रेड लीजिए। क्योंकि जीरो हीरो ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसे हम काइंड ऑफ गैम्बल कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड के अंदर हो सकता है आपका पैसा डबल आ जाए, हो सकता है आपका सारा पैसा चला भी जाए। तो इसके अंदर कभी भी अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है, आप जीरो हीरो ट्रेड की तरफ मत जाइए। आपने ट्रेड लिया, ऑलरेडी लॉस में हो, कवर करने के चक्कर में जीरो हीरो ट्रेड मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के अमाउंट से ही या फिर उससे भी कम अगर प्रॉफिट ज़्यादा है उसी से जीरो हीरो ट्रेड लीजिए। जीरो हीरो ट्रेड के अंदर मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, आपको बहुत जल्दी मार्केट से निकलना होता है। कभी कभी आपका जो कॉल आपने 15 या 16 रुपये पे लिया है, 16 पॉइंट के ऊपर लिया है, वो आपको 7-8 के आते हुए अचानक से 20-25 भी दिख जाएगा, लेकिन आप जब तक बुक करना चाहोगे तब तक वो वापस 11-12 पे आ जाएगा। तो आपको अपने एग्जिट्स पहले ही लगाने पड़ेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज फ्राइडे एक्सपायरी था, आज कौन सा ट्रेड जीरो हीरो बना था, कौन से के अंदर पैसे डबल हुए थे, कैसे हुए थे, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन जीरो हीरो ट्रेड के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देना बहुत ज़रूरी है। तो इन इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले मैं बताऊँ तो जीरो हीरो ट्रेड करने के 2 तरीके हैं। या तो आप एक साइड की नेगेट पोजीशन बना के चलो, यानी कि या तो आपने एक कॉल लेके रख लिया है या आपने एक पुट लेके रख लिया है, या फिर आप इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस कर देती है, जो कि पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं गैम्बल पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं हेज बना के चलता हूँ बाइंग में। हाँ जी, बाइंग में हेज पॉसिबल है, और अगर मार्केट ट्रेडिंग है तो वो आपको पैसा डबल नहीं ट्रिपल भी करके देता है, मैंने लिया हुआ भी है। तो वो हेज कैसे करना होता है, 2 बजे के बाद आप मार्केट को देखना शुरू कर दो। 2 बजे के आसपास, 2:15-2 बजे तक आपकी पोजीशन बन जानी चाहिए, 2:30 बजे तक लास्ट है, उसके बाद अगर हेजिंग की पोजीशन नहीं बनती है उसको छोड़ दो। हेज कैसे करना है, आपको एक स्ट्राइक प्राइस ऐसी ले लेनी है जिसका कॉल और पुट, सपोज दैट मार्केट चल रहा है 42,000 के ऊपर, ठीक है, 42,000 के आसपास चल रहा है, 42,050-25, हालांकि एक ऐसा लेवल है जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल होता है, 42,000, 42,500, 43,000, ये कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत होते हैं, ओवाइज बहुत बैठे होते हैं, यहां से मार्केट टूटना या बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पे थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर है, या फिर ऐसे से ये जो लेवल है मेजर लेवल जो टूट जाए तो ही ट्रेड करें। इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि आप 2 बजे के आसपास बैठे हो, मार्केट चल रहा है, हम 42,000 का नहीं लेंगे क्योंकि 42,000 एक ऐसा लेवल है जो टूटना थोड़ा मुश्किल होता है या बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, हम एक मॉडरेट सा लेवल लेते हैं। सपोज दैट 2 बजे के आसपास मार्केट है 42,200 के आसपास, ठीक है, 220, 215, 220, 230, 180 के आसपास चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस आप 42,200 की कॉल और पुट लगा के रख लीजिए। हमें क्या करना है, कोशिश करना है ट्रेंडिंग मार्केट में, साइडवेज मार्केट में नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट में हमें कोशिश करना है कि जो हमारा कॉल और पुट 2 बजे के आसपास इनकी वैल्यू चल रही होगी, अगर ये 42,200 के कॉल आप देख रहे हो और 200 के आसपास ये प्राइस है तो इनकी वैल्यू चल रही होगी
मोर ओवर 70-80 या फिर 90-95 इसके आसपास चल रही होगी, एक की 90 होगी तो दूसरे की भी 90 होगी, एक की 60 होगी तो दूसरे की मे बी पॉसिबल की 140-130 के आसपास होगी। हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल कोशिश कीजिए आप 80 या 85 पॉइंट्स के अंदर ले लो, यानी कि आपने एक स्ट्राइक प्राइस 40 पे ले ली तो दूसरी आपकी ज्यादा से ज्यादा 45 या 46 मैक्स 50 से ऊपर की कॉल स्ट्राइक आप नहीं लोगे। पॉसिबल आपको ऐसा बनाना होगा कि दोनों ही स्ट्राइक प्राइस आपको अगर उसका टोटल करो तो आपके 80 पॉइंट्स लग रहे हो, ठीक है। ये 2 बजे या 2:15 बजे लास्ट तक बनानी है, उसके बाद आपको नहीं बनाना है। उसके बाद अगर आपको मोमेंट नहीं मिलता है, आपको अगर ये मिले, आपको चाहिए दोनों की कमाइंड आपको 60 पे मिल जाए, नहीं लेना है, आपको सिर्फ 2:15 बजे तक वेट करना है। ये पर्सनल जो मैं फॉलो करता हूँ उसका रूल है, 80 पॉइंट्स के अंदर आपको दोनों स्ट्राइक प्राइस लेनी है। सपोज दैट एक स्ट्राइक प्राइस कॉल की वैल्यू चल रही है 60-65 के आसपास चल रही है, 2:15 हो चुके हैं, पुट की वैल्यू भी 70-75 के आसपास चल रही है, थोड़ा सा मार्केट पुट साइड में गिरा, मेरी कॉल की वैल्यू आ गई 40-45 के आसपास, मैंने 40 पे कॉल ले लिया, ठीक है। अभी मार्केट थोड़ा सा वापस किया क्योंकि थोड़ा इस टाइम पे 2:15 बजे के आसपास मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, अप डाउन। अब वो 40 वाली कॉल जैसे 60 पे होएगी या 70 पे चली जाएगी तो पुट की जो कॉल है उसकी वैल्यू भी 40 या 35 के आसपास आ जाएगी, आपको उस वक्त ले लेना है। अब आपने एक हेज बना लिया है, आपके टोटल पैसे लगे हुए हैं 75 या 80 पॉइंट्स, एक की वैल्यू ऑलरेडी चल रही होगी 80 या 70 के आसपास, दूसरी की 30 के आसपास। अब आपने क्या करना है, दोनों ही स्ट्राइक प्राइस का एग्जिट पॉइंट, हाँ जी एग्जिट पॉइंट मैं तो यही करता हूं, आप चाहो तो जब आपका टोटल से ऊपर हो जाए तो उस पर एक स्टॉप लॉस लगा दो। मेरा टोटल कॉस्ट लगा हुआ है 80 पॉइंट्स का, मैंने चाहे लॉट उसमें कितने भी लिए हैं, 1, 2, 3, 4, वैसे जीरो हीरो के अंदर 5-6 से ज्यादा लॉट नहीं लेने चाहिए, मेरा मानना है पर्सनली। अगर आपको प्रॉफिट है तो लीजिए, प्रॉफिट नहीं है तो बिल्कुल ही मत लीजिए। 80 पॉइंट्स आपका है, ठीक है। अब आप दोनों ही स्ट्राइक प्राइस का एग्जिट लगा के छोड़ दीजिए 85 का, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। अचानक से कोई बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल आई अगर विद इन 10-15 मिनट्स, ठीक है, तो आपको क्या होगा, 85 पे एक स्ट्राइक प्राइस को आप बाहर निकाल दोगे, आप 5 पॉइंट प्लस में हो जो कि आपकी ब्रोकरेज निकाल देगा। अब हुआ क्या, आपने 2 स्ट्राइक प्राइस लिए थे, दोनों की कॉस्ट आपने एक स्ट्राइक प्राइस से निकाल दी। अब जो रेस्ट जो दूसरी स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसकी वैल्यू चल रही है 20-25 के आसपास, या तो आप वो 20 पॉइंट बुक कर लीजिए, वो आपका प्रॉफिट है, या फिर आपको अपनी किस्मत आजमानी है तो आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर मोमेंटम आपको लग रहा है कि जो स्ट्राइक प्राइस मेरी 20 के आसपास है यहां से मार्केट पुलबैक मार सकता है तो उसको रखिए, उस पर एक एग्जिट लगा के रख दीजिए जितना आपको प्रॉफिट चाहिए। कभी कभी क्या होता है, 85 पे आपने कोर्स निकाल दिए, अगर ये एक भी हो जाएगा तो आपका कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसको आजमा सकते हो। अगर आपके पास 4 लॉट भी है आपके पास 2 लॉट भी है तो अगर वो 20 वाला है तो आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हो, 20 पॉइंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट चल रहा होगा, मोर ओवर 1000 रुपीज का 2 लॉट के अंदर, ये आपका शुद्ध प्रॉफिट है क्योंकि कॉस्ट निकल चुकी है। आप बिंदास होकर बैठिए, आपके पास 30-35 मिनट है मार्केट के लिए, हो सकता है बड़ा मूवमेंट आ जाए, ना भी आए तो एटलीस्ट 5-7 पॉइंट के अंदर तो एग्जिट करोगे, वो आपका प्रॉफिट होगा, 5 मिनट आपने ऑलरेडी कॉस्ट से भी निकाल दिए। तो इस तरीके से आप हेज करके अगर जीरो हीरो में चलोगे बेटर है, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में। अब हेज बनाने का प्रॉफिट क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक स्ट्राइक प्राइस कम हुई तो उसको ले लिया, ये स्ट्राइक प्राइस जब बढ़ी तो मैंने दूसरी स्ट्राइक प्राइस कम हुई उसको ले लिया, इन द एंड दोनों को ही कम पे ले लिया, तो जो थोड़ा बहुत 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट का जो डिफरेंस आया है, वेरिएबल आया है, वो मेरा प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट नहीं कह सकते, वो मेरा एडवांस में थोड़ा टाइम डीके बुक है, क्योंकि 10-15 मिनट बाद जब 10-15 पॉइंट नीचे आएगा तो भी मैं कॉस्ट पे खड़ा रहूंगा, मार्केट अगर वहीं भी रहा तो भी मैंने 7-8 पॉइंट ऑलरेडी स्कोर कर लिए हैं। यानी कि जैसे कॉल 40 पे लिया था मैंने, पुट की प्राइस 80-85 के आसपास चलेगी, ये 40 वाला जैसे ही 55 के आसपास हुआ, हालांकि ज़रूरी नहीं होगा लेकिन एक मैं पोटेंशियल वे बता रहा हूँ, पॉजिटिव वे बता रहा हूँ हेज करने के लिए, जैसे ये 55 के आसपास पहुंचा, ये गिर के 65 के आसपास आ गया, ये 60 पे चला गया तो ये 55 के आसपास आ गया, ऐसे करके जैसे तैसे मेरे को ये 51 पे मिल गया। अब 51 पे ये मिला हुआ है, ये ऑलरेडी 65 पे घुस रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने 40 पे लिया हुआ, 25 यहाँ से स्कोर कर ली। अब ये नीचे आएगा 60 पे तो ये ऑलरेडी 62 पे चला जाएगा, तो यहाँ से जो मेरे 20 पॉइंट्स अभी भी पड़े हैं वो 20 पॉइंट्स यहाँ से 5 मिनट और 25 पॉइंट, यानी कि मोर ओवर मेरे पास आधे घंटे तक साइडवेज मार्केट भी रहता है, या 20 मिनट तक साइडवेज मार्केट भी रहता है। आधा घंटा ज़्यादा बोल दिया मैंने क्योंकि टाइम देखिए बहुत जल्दी जल्दी होता है 2:15 बजे के बाद, तो मेरे पास 20-25 मिनट तक मार्केट में रुकने के लिए मेरी कॉस्ट है, मेरा कॉस्ट खत्म नहीं होगा क्योंकि मैंने हेज बना रखा है, तो अगर साइडवेज रहा तो टाइम डिके होगा, दोनों के एक एक दो दो पॉइंट हर 5 मिनट में गिरते जाएंगे, तो मेरे को क्या फायदा मिलेगा,
मैंने अपनी कॉस्ट बिल्कुल सिक्योर कर रखी है, अब मेरे को चाहिए छोटा सा मोमेंटम जिसके अंदर मेरी दोनों की कॉस्ट निकल जाए। कई बार ऐसा होता है कि दोनों की कॉस्ट आपकी 85 थी लेकिन 60-65 तक मार्केट चला गया, लेकिन आप सोच रहे हो 85 पे लगाया हुआ एग्जिट, आप एग्जिट 75 पे कर दो यार, आपके 10 पॉइंट अभी भी कॉस्ट पे बढ़ रहे हैं। तो जो लास्ट दूसरी जो कॉल बची हुई जो 25-25-20 के आसपास चल रही है उसका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट लगा दो, आपका कॉस्ट बच गया। कॉस्ट बचा के करो बेटर है, नेकेड अगर आप लेते हो जीरो हीरो तो वो थोड़ा सा गैम्बल हो जाता है, सकते हैं जीरो हीरो ट्रेड वो बिल्कुल मत कीजिए, जो इमोशनल लोग हैं कभी भी बड़े लॉट्स के अंदर जीरो हीरो ट्रेड कभी नहीं करने का। आपको लग रहा है 10 रुपये पे चल रहा है ये 100 रुपये का हो जाएगा या 50 का हो जाएगा, मैं 1,00,000 रुपये लगा लेता हूँ, 10 का अगर 50 भी होगा तो मेरे को 4,00,000 रुपये मिल जाएंगे, 1,00,000 रुपये गए बर्बाद, टाटा बाय बाय वाला सीन हो जाएगा। कभी जीरो हीरो ट्रेड के अंदर अपना कैपिटल मत वेस्ट करना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से किया हुआ ट्रेड होना चाहिए, नथिंग एल्स। तो ये वीडियो थी जीरो हीरो ट्रेड के बारे में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब की हमें ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि नई वीडियो बनाए ना तो वो यार कि हाँ यार लोग देखेंगे कमेंट करेंगे अच्छा लगता है। चलिए इस वीडियो को ये बंद करते हैं, थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब।